वेलकम टू फैमिली कुकिंग कॉर्नर। हमारे सभी के घर में दोपहर के चावल तो बच ही जाते होंगे, तो आज उसी बचे हुए लेफ्ट ओवर राइस से हम वेजिटेबल मुठिया बनाने वाले, जो बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इसके लिए हम हाफ कप कैबेज लेंगे, हाफ कप ग्रीन ऑनियन लेंगे, हाफ कप धनिया लेंगे, हाफ कप मेथी लेंगे और 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन लेंगे। और इसके अलावा हम जो बचे हुए राइस है वो 1 कप लेंगे, 1 कप गेहूं का दरदरा आटा लेंगे और 1/4 कप पीली मकाई का आटा लेंगे। अब एक मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद हम इसमें मसाले करेंगे और सबसे पहले हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके बाद हम 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। बाद में हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद तेल डालेंगे। सबको हम हाथों से मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और धनिया और मेथी का पानी भी इसमें से छूटेगा, तो मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। देखिए, सारे मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद गेहूं का दरदरा आटा डालेंगे और इसके बाद पीली मकई का आटा डालेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे, यानी कि बेकिंग सोडा, और 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब फिर से इन सबको अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर देंगे, ताकि सारे वेजिटेबल्स, मसाले और चावल एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए, हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम हाथों से थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेकर इसे मुठिया का शेप दे देंगे। देखिए, इस तरह से हम इसका मुठिया का शेप दे देंगे। आपको कोई दूसरा शेप पसंद हो तो आप वो भी दे सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम सारे मुठिया बना देंगे। हमारे सारे मुठिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरा अच्छी तरह से फूट जाए, बाद में हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद हम इसमें 1 हरी मिर्च और 4 से 5 करी लीव्स डालेंगे और इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर स्लो गैस पर 1 मिनट तक सौते करेंगे। एक मिनट के बाद हमने जो मुठिया बना कर रखे हैं वो सारे हम इसमें रख देंगे और इसे ढक कर स्लो गैस पर हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलकर इसे अच्छी तरह से ऐसे चला देंगे, ताकि सारे मुठिये ऊपर नीचे हो जाए और चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे फिर से ढक कर हम 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे। 7 मिनट के बाद हम इसे फिर से खोलकर चेक करेंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है और ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे।
और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि नींबू का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से आ जाए। और इसे हम फिर से 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। दो मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो तैयार है हमारे लेफ्ट ओवर राइस से बनने वाले मिक्स वेजिटेबल मुठिया। आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। और ये बिना टोमेटो केचप अकेले भी बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए।